Hey guys, welcome to the vlog. आज हम जाने वाले हैं नैनीताल के फेमस ट्रैक नैना पीक ट्रैक के लिए, जो कि 3 किलोमीटर का ट्रैक है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आपको इसमें आने वाला है। नैनीताल पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन हमने इस बार ट्रेन से जर्नी की, तो हमने देहरादून से ट्रेन ली थी और 7:30 बजे हम हल्द्वानी पहुँच गए थे। हल्द्वानी की जो रेल कनेक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट सारे सिटीज़ से है, तो आप इजीली यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं तो आपको जो है हल्द्वानी तक आना होगा, और हल्द्वानी से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही जो है बस स्टैंड है, वहाँ से आपको जो है नैनीताल की बस इजीली आपको किसी भी टाइम पर अवेलेबल हो जाएगी। द बस फेयर फॉर नैनीताल फ्रॉम हल्द्वानी इज़ 80 रुपीज़ पर पर्सन। जैसे ही आप पहुंचते हैं नैनीताल के बस स्टैंड, सामने आपका जो है झील, एक सुंदर से झील आपका इंतज़ार कर रही होती है। अब बिना देरी किए अब हम चलते हैं अपने होटल रूम में, वहाँ पर अपना सामान रखेंगे और उसके बाद अपना जो ये ब्यूटीफुल ट्रैक है इसको हम स्टार्ट करते हैं। सो ट्रैकिंग करते वक्त रास्ते के लिए कुछ स्नैक्स हमने यहाँ पर लिए हैं, वाटर बॉटल्स आप ले लीजिए और स्नैक्स ले लीजिए। हमारा जो होटल है वो मल्लीताल में है, इसलिए हमें मल्लीताल से जो है अब एक टैक्सी लेनी पड़ेगी ट्रैकिंग पॉइंट तक के लिए। गाइस, अब हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर लिया है और ये 3 किलोमीटर का ट्रैक है, तो इसमें आपको लग सकता है 2 घंटे का टाइम और मे बी मोर देन डैट। गाइस, हमने ट्रैकिंग जो है 10:15 पे स्टार्ट करी है, जब हम पॉइंट में थे नीचे वहाँ पे 10:15 उस टाइम पर हो रहा था, और अभी 10:20 ही हुआ है, अभी ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। रास्ते में आपको पोल्स में या फिर स्टोन्स में जो एरोज दिखेंगे उनके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आप जो है रास्ता नहीं खोने वाले हैं, तो इनको ज़रूर फॉलो करें। कहीं दूर पहाड़ों में उसे पहले जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे 2 रास्ते बाइफरकेट होते हुए नजर आएंगे, एक रास्ता लेफ्ट और एक रास्ता राइट, हमें जाना है लेफ्ट। सो अगेन यहाँ पे रास्ता बाइफरकेट हो रहा है, यहाँ पर सामने एक ट्री है, इसमें बहुत ही छोटा सा साइन है जो कि हमें पता भी नहीं चला था और हम रास्ता खो गए थे। यहाँ पे जो ये वाली क्लिप है ये वहाँ की है जहाँ पर हम रास्ता भूल गए थे, यहाँ पे बहुत सुंदर रास्ता है इसलिए मैंने इसको इस वीडियो में ऐड करा है। आप यहाँ पे जा सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा था ये वाला रास्ता, वैसे वो रास्ता नहीं है बट फिर भी बहुत अच्छा था, आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पर एक पेड़ उखड़ा हुआ है,
जैसे ही हमें पता चला कि हमने जो है रॉन्ग डायरेक्शन ले ली है, वैसे ही हम फिर वहाँ से वापस गए। तो चलिए वापस चलते हैं। सो गाइस, इस पॉइंट से हमें जाना है सीधा आगे। हम चल रहे हैं। हाँ, ये स्टोन दिखेगा आपको यहाँ पे, बड़ा सा पत्थर दिखेगा, रॉक। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किधर जाना है। इसमें सिंबल बनाए एंड अगेन यहाँ पर से दो रास्ते बाइफरकेट हो रहे हैं, लेकिन हमें एक बार एरो देखने को मिल रहा है, तो हम इस रास्ते को लेंगे। और गाइस यहाँ पे फिर बना है, अभी अभी हमने यहाँ से हिरन को जाते हुए देखा, यहाँ से उसने डायरेक्ट नीचे जंप किया। हमें जो है यहाँ पे 90 मिनट्स लगे हैं पहुँचने में, यानी कि अब टाइम जो है 12 बज चुके हैं। अब यहाँ से जो नैना पीक है वो ज़्यादा दूर नहीं है, 300 to 350 मीटर्स ही दूर है, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा लंगूर थे और वो पूरे रास्ते को कवर करके बैठे हुए थे। हम काफ़ी डर गए थे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चले तो वो भी हट गए थे। ट्रैकिंग करते वक्त आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप अभी सोच रहे होंगे कि 3 किलोमीटर्स का ट्रैक है, बहुत थक जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जब आप ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं तो अपने आप ही जो है आपको जो है इन्जॉयमेंट फील होने लगती है, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। कुछ कुछ मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप डाउन फील करते हैं, बट ऐसा नहीं है, आप इन्जॉय करेंगे। चलिए हम हाइट में पहुँचने वाले हैं और यहाँ से थोड़ा सा आगे डाउन की तरफ जाना होता है। यहाँ पे आपको नैना पीक के लिए अब चढ़ना नहीं है, तो बस यहाँ पे हाई पॉइंट आप इसी को ही कंसिडर करें नैना पीक, लेकिन थोड़ा सा आगे जाना है हमें। फिर वहाँ से हमें जो है सीनेरिक व्यू देखने को मिलता है नैना पीक का। यहाँ पर जब आप ऊपर आते हैं, अगर आपकी वाटर बॉटल्स ख़त्म हो गई हैं, पानी ख़त्म हो गया है, तो यहीं पर जो है आपको जो है फॉरेस्ट पर्सनल रहते हैं, उनसे आप जो है ले सकते हैं वाटर स्नैक्स भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा आपको हाई रेट लगाएंगे वो, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको लेना पड़ेगा, हमें भी लेना पड़ा था। अब यहाँ से हमें जो आगे रास्ता दिख रहा है लेफ्ट की साइड, उधर जाना है। सो गाइस, अब यहाँ से आगे चलेंगे, कोहरा लगा हुआ है, ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो जाता है नैना पीक का यहाँ से दिखना, बट स्टिल लेट्स सी।
फाइनली हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट हुई है और ये है नैना पीक। यहाँ से जो है नीचे व्यू देखने को मिलता है, लेकिन ड्यू टू फॉग वी कुडंट सी दैट।